नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको स्टोक फ्लावर लगाना सिखाऊंगी। तो मैंने लास्ट ईयर भी इन्हें ग्रो किया था, और लास्ट ईयर जब मैंने इन्हें ग्रो किया था वो 4 अक्टूबर को ग्रो किया था, और 11 अक्टूबर को जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक हफ्ता लगता है जर्मिनेशन में। इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ थी नहीं, बट फिर भी मैं इन्हें ग्रो कर दूंगी और इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी भी दूंगी। तो अगर आप मेरे भाई बहन स्टोक पे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 928 928 देख सकते हैं। तो सर्च करने के लिए ये लिखें होरी स्टोक डॉट 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 मंजू हांडा, तो ये वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसके इतने प्यारे फूल लगते हैं। मेरे जो पास मैंने लगाया था वो वाइट कलर के फ्लावर्स थे, और इतने लंबे टाइम तक ये टिके रहते हैं, और अप्रैल में जो है इनके सीड बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ जो फूल खिले थे वो 24 जनवरी को खिलना स्टार्ट हुए थे। तो लगाने से पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे दूँ, पहले मैं सीड भी दिखा दूँ, तो जिन मेरे भाई बहनों ने नहीं देखा होगा। तो इस तरह की ये फलियाँ होती हैं, ये देखा, ये फलियाँ, ये इस तरह की ये फलियाँ होती हैं, और जो सीड बीच में निकलता है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऐसा सीड होता है इसका, ये तो ये मैं जो सीड चुनना भी नहीं आपको बता पाई थी। तो लास्ट ईयर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से जो है 3 4 फलियाँ लेके आई थी। एक मैंने ग्रो की थी, 2 प्लांट निकले थे। तो ये मेरे गार्डन की हैं, और अब हम देखेंगे कि ये कितने ग्रो होते हैं। तो इसमें बड़े कम सीड होते हैं। तो चलिए, ये सीड हो गए, और लगाने से पहले इसके बारे में मैं आपको मोटी सी जानकारी दे दूं। वैसे तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि अब कहाँ 15 नवंबर है और कहाँ मैंने ये 4 अक्टूबर को ग्रो किए थे, पर फिर भी मैं ग्रो कर देती हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखेंगे, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ये यूरोप का नेटिव है। इसकी हाइट जो होती है 1 से 2 फुट की होती है, और जो मेरे पास जो मैं अभी लगाऊंगी तो ये ड्वार्फ वेराइटी का है, और इसका कलर वाइट कलर है। इसकी हाइट जो है 1 फुट लगभग होती है। बड़ा हार्डी प्लांट है। इसकी स्टेम जो होती है बहुत जो ब्रांचेस वाली होती हैं, और उस पर हल्के रोएं होते हैं। ब्रांच का नीचे का हिस्सा सख्त होता है। लीव्स मोटी रोएंदार और पतली डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। फ्लावर्स गुच्छे में और साथ साथ स्पाइक के नीचे से खिलते जाते हैं, और साथ साथ स्पाइक भी जो फ्लावर बड्स के साथ बढ़ती जाती है। स्पाइक भी बढ़ती जाती है और फ्लावर्स भी नीचे से खिलते जाते हैं, और धीरे धीरे फ्लावर जो हैं खिलते जाते हैं। फ्लावर जो होते हैं बड़े खुशबूदार, और सिंगल जहाँ डबल होते हैं। सिंगल वाले में 4 पेटल होती हैं, और डबल में खूब सारी पेटल्स होती हैं। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, रेड, येलो, पर्पल, क्रिम्सन और भी कई सारे। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है? प्रोपगेशन इसे सीड से सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। तो मैं हर रोज ही सोचती थी कि आज लगाऊंगी आज लगाऊंगी, तो मैंने ऐसे संभाल के ये रख छोड़े थे कि मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर आज मैंने इनको सुबह पहले ढूंढा, ढूंढ के फिर मैंने सोचा पहले मैंने ग्रो ही कर देती हूँ। तो एक हफ्ते के अंदर जो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। सीडलिंग जब 5 सेंटीमीटर की हो जाए तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो अगर मेरे भाई बहन उनके पास सीड नहीं है, वैसे भी हम लेट तो हो चुके हैं, तो वो बने बनाए इनके प्लांट्स जो है नर्सरी से अभी लाकर ग्रो कर सकते हैं। इनके फूल बहुत ही प्यारे और बहुत लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए 928, उसमें आपको पता चल जाएगा। और सोइंग के सीड सोइंग के 3 साढ़े 3 महीने में जो फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। धूप इसे कैसे चाहिए? इसे अच्छी सनलाइट चाहिए। मैंने जो इसे उस टाइम रखा था जब ये फूल खिल रहे थे, तो 6 7 घंटे की धूप में मैं इसे रखती थी। तो सॉइल अभी मौसम में चेंज आ गया, तो अभी भी मैं जो है 4 5 घंटे की धूप में इसे रखूंगी। और मिट्टी कैसे चाहिए? इसे रिच और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। तो रिच मिट्टी, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें वगैरह आप मिला लीजिए, और बाद में ज़्यादा खाद खूद की भी इसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। देना चाहें लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप, जैसे फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस टाइम आप इनमें कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 20 दिन में दे सकते हैं। मिट्टी को ज़्यादा गिल्ला नहीं रखना है। पानी कैसे देना है? मतलब कीचड़ जैसी नहीं बनानी है, नहीं तो फिर क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे प्लांट्स मर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ वाली प्रॉब्लम, जो जड़ें उनमें गल जाती हैं और पूरी की पूरी फिर स्टेम सूखने लगती हैं, और धीरे धीरे प्लांट आपका मर जाता है। इसे क्यारियों और कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। क्यारियों में
बॉर्डर की तरह लगा सकते हैं। तो अब हम इसके सीड निकालेंगे और सीड भी मैं आपको ये चुनना बता ही देती हूँ कि किस तरह से ये इतनी लंबी फली है, इसमें बड़े कम सीड होते हैं। अब कुछ भी निकल जाए तो चलो, ये तो मेरे जनवरी 24 को खिलना स्टार्ट हुए थे, तो अब जनवरी में नहीं तो फिर अगर फरवरी में ही आ जाए तो ये देखिए बड़ी दूरी दूरी पे इसके सीड होते हैं, मैंने बताया ना आपको। ये देखिए इतनी फली खा ली और ये सीड है इसका, तो मैं निकाल लेती हूँ फिर हम ग्रो करते हैं। तो मैंने ये सीड निकालना है, तो ये फलियों के नीचे भी यहाँ भी सीड होते हैं, ये जो दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा, ऊपर हल्की सी लेयर है तो इसमें भी है। तो पिछली बारी जो है मैंने ठीक से नहीं निकाले थे ये, अब देखा मैंने कि ये इसके नीचे भी ये ग्रीन जो दिख रहा है, तो मैं अभी दिखाऊंगी। तो इतने सीड निकले हैं और दो तीन फलियाँ मैंने बचा ली हैं, क्योंकि इस बारी मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और मेरे सीड सेट बिल्कुल भी नहीं होंगे। फूल लग जाएंगे तो वही बहुत बात है, फिर मैं नहीं तो देखूंगी, अगर मुझे कहीं नर्सरी में हमारे ये मिल गए तो ठीक है, हमारे मिलते भी नहीं हैं। तो ये बस ये ऐसे करके मैं ऐसे एक स्प्रिंकल कर दूंगी गुलाई में, इस तरह से लाइन बना के, और इनको ढक दूंगी ऐसे जैसे मेथा दाना होता ना उस तरह से, ये ब्राउन भी और थोड़े ये ग्रीन भी निकले। पिछली बारी तो मेरे थोड़े ब्राउन ब्राउन जैसे निकले थे, तो मेरे को याद नहीं रहा होगा, तब तो मुझे इस पौधे का नाम ही नहीं इसका ड्वार्फ वैरायटी वाले का पता चल रहा था, क्योंकि लोंग वाले का तो मुझे पता था और ये ड्वार्फ वैरायटी, ये इतने मैंने ऐसे लगा दिए हैं और इनको ऐसे ढक दूंगी और ये बीच में ऐसे लगा दूंगी यहाँ पे। ऐसे और जो ये फलियां निकली हैं ये भी डाल दूंगी इनमें, जो ये बीच में जैसे ये सीड है, ये देखिए ये बीच में नीचे भी सीड है, ये ग्रीन दिख रहा ना, तो इसको भी ऐसे दबा दूंगी मैं, कुछ होंगे तो वो अपने आप ही निकल आएंगे। तो बस ये हमारे सीड लग गए, स्टोक के सीड लग गए, ये हो रही स्टोक के सीड ग्रो हो गए। और अब मैं इसमें पानी दे दूंगी इस तरह से, और इसको धूप में ही रहने दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल धूप आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, और रात का जो आजकल टेम्परेचर, मैंने अभी चेक तो नहीं किया, पेपर पढ़ा नहीं है, टाइम नहीं मुझे मिला, और वैसे जो है रात को हमारे पंखा नहीं चला था आज, तो बाकी दिनों में तो रोज़ ही पंखा चलता है, तो इसका मतलब अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा नीचे चला गया है। तो बस ये हमारे सीड लग गए, और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना, जैसे कि मैंने बताया कीचड़ जैसा नहीं करना है। तो चलो देखेंगे, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं होंगे क्योंकि लेट तो हो ही गए हैं, तो कोई बात नहीं। बस ये जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ फिर ग्रो करती ही रहती हूँ। तो मैंने निमेशिया के आपके सामने ग्रो किए थे, तो वो मेरे काफ़ी बड़े कुछ उग भी आए थे, और अब जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे को एक भी प्लांट उसमें नहीं दिखा, और आने के बाद मैंने फिर इसमें सीड डाल दिए, तो आज मेरे ये जर्मिनेशन स्टार्ट हुई। ये देखो ये सब आज निकले हैं, तो मैं इसलिए ये है कि मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं ग्रो कर देती हूँ। तो बीच में ये मेरे पिटूनिया के भी, ये तो अपने आप ही निकले होंगे, कोई जैसे सीड ऐसे अपने आप ही गिर जाते हैं, तो ये मेरे निमेशिया के द्वारा निकलाए हैं, ये इसी पोट में लगाए थे, तो पता नहीं ज़्यादा पानी होने से वो मर गए क्या है, तो पानी उतना ही देना होता है, क्योंकि प्लास्टिक पॉट में पानी ज़्यादा से सूखता नहीं है, तो बस उतना ज़रूरत भर का पानी दें। तो ये दोबारा निकल आए हैं मेरे। तो जिन मेरे भाई बहनों को इनको लगाने का अभी मूड नहीं है, तो वो नर्सरी में ले जाइए और इनके बने बनाए प्लांट्स ले आइए, तो फिर अगर सीड तैयार होते हैं अपने पसंद के रंग के प्लांट्स ले आइए, और फिर घर में आप सीड तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने सीड से ही ग्रो किया था, और इस टाइम भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है। नमस्ते जी, शुक्रिया।